पास्ता खाना तो हम सबको पसंद है। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने में आसान और खाने में और भी स्वादिष्ट। बस इसके लिए पहले हम भगोने में पानी डाल के इस तरह से पास्ते को उबाल लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट लगता है इसको उबालने में। बस इसको उबाल लेने के बाद इस तरह से छान के हम एक साइड में रख देंगे। अब हम ले लेंगे कढ़ाई, इसमें डाल देंगे बटर। बटर की जगह हम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप अगर इसको बटर में बनाएंगे ना तो इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। बस इस तरह से थोड़ा सा हम बटर को घुमा देंगे, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। ये देखिए बस 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। आप जितना बना रहे हो उस हिसाब से क्वांटिटी में ले सकते हैं। बस उसको 1.5 से 2 मिनट हमें भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। अब थोड़ा थोड़ा इसमें हम दूध को डालेंगे, इस तरह इसमें डालेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे, इस स्टेज पे आप गैस को बंद कर सकते हैं और इस तरह से इसको मिला रहे हैं अच्छे से। बस उसके बाद गैस को ऑन कर देना है। इसमें डाल देंगे ओरिगैनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और नमक। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए बस इस तरह मिला लेने के बाद इसमें आप काली मिर्च जरूर डालें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। बस इसको डाल देने के बाद हम उबले हुए पास्ते को डाल देंगे इसमें और मिला लेंगे फटाफट। ये देखिए ये बनाना बहुत ही आसान है, कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा इसमें दूध और भी डाल सकते हैं। बस इसको इस तरह से डाल देने के बाद 1.5 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब इसमें हम और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे जिससे ये क्रीमी सा टेस्ट आ जाएगा, खाने में भी स्वादिष्ट बनेगा। बस ये देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। इसके बिना भी आप बना सकती हैं, फिर भी खाने में स्वादिष्ट लगता है। बस इसको इस तरह से मिला लेना है हमें, 1 मिनट के लिए इस तरह से मिला लेंगे। बस ये हमारा पास्ता तैयार हो गया है, ये कम इंग्रेडिएंट्स में बढ़िया बनके तैयार होगा। ये देखिए पास्ता बनके तैयार हो गया। अब इसको हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा इसमें दूध और भी ऐड कर दें। बस उसके बाद इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डाल दीजिए। बस तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।